वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, ये पूछ रहा है वो 3 फेजेस कौन कौन सी थी। 3 फेजेस का मतलब है 3 अवस्थाएं कौन सी थी ऑथर की उसकी ग्रैंड मदर के साथ साथ, कब, जब वो स्टडी करने गया अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश गया, उससे जाने से पहले कौन कौन सी 3 फेजेस थी। तो हमें वो 3 फेजेस बतानी है। तो अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तभी आंसर क्लियर होगा। तो अब देख लेते हैं आंसर कौन कौन से 3 फेजेस थी। देखो सबसे पहले जब भी इस तरह का एक क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के अंदर से ही लाइन चेप देनी है, द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट। देखो अगर आप ये देख रहे हो ये लाइन मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन से बनाई है, ठीक है। इस तरह से हमें अपना आंसर बढ़ाना है एग्जाम में ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बड़ा क्वेश्चन लिखा और आपको ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। इसके बाद 3 फेजेस कौन कौन सी है, एक तो है भैया चाइल्डहुड, दूसरी है बॉयहुड और तीसरी है अर्ली यूथ। चाइल्डहुड का मतलब बिल्कुल बचपन, When he was living in village, जब वो जो author है गांव में रह रहा था, and grandmother took care of him as his guardian, और पूरी तरह से जो उसकी grandmother है वो उसका ध्यान रख रही थी, चाहे वो स्कूल के लिए जाना हो, उसके लिए खाना बनाना हो, उसे स्कूल छोड़ना हो, उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना हो, क्योंकि उसके मम्मी पापा उस टाइम में सिटी के अंदर रह रहे थे। तो पहली फेज तो थी यार चाइल्डहुड। दूसरी फेज देखो बॉयहुड, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, When he shifted in city where grandmother could no longer accompany him to his school. अगर आपने ये पढ़ा है चैप्टर तो आपको पढ़ा पता होगा जब थोड़े टाइम बाद जब वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए तो अब वो जो ऑथर था वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था तो अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, है ना, could no longer accompany him to his school. तो ये हो गई दूसरी फेज। तीसरी फेज है अर्ली यूथ, जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल में आ गया, एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उसे खुद का एक कमरा दे दिया गया, द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और वो जो कॉमन लिंक है उन दोनों के बीच में, दादी के बीच में और ऑथर के बीच में, कहीं ना कहीं वो टूट गया। तो चिल्ड्रन आपको ध्यान का रखना है, कुछ बच्चे ना रटते हैं, रटना नहीं है यार, समझना है। अगर तुम समझ लोगे तो तुम एग्जाम में लिख दोगे, और रटोगे तो भैया भूलोगे। तो रटना नहीं है, समझना है। तीन फेजेस कौन कौन सी है, चाइल्डहुड जब वो गांव में रहता था, बॉयहुड जब उसे सिटी में शिफ्ट हुआ, और अर्ली यूथ जब वो यूनिवर्सिटी में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार अगर इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, और वीडियो को अभी से कर दो लाइक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द 3 रीजंस। अब देखो 3 रीजन बताने हैं, कौन कौन से रीजन, व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया, आंसर देने से पहले मेरे भाई क्वेश्चन को समझना है। तो वो पूछ रहा है जो ग्रैंडमदर हैं वो खुश क्यों नहीं थी, वो 3 रीजन देने हैं जब वो नए स्कूल में जाने लगा, शहर वाले स्कूल में जाने लगा, तो किन 3 वजह से वो खुश नहीं थी। चलो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हो इंग्लिश बाबा के सारे अपडेट्स आपको फोन पे मिलते रहे तो टेलीग्राम आईडी हमारी नोट करो, इंग्लिश बाबा 123 टेलीग्राम पे आज ही सब्सक्राइब कर लो, आपको सब फोन पे मिलता रहेगा। तो देखो द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब, देखो पूरा का पूरा ये मैंने कहां से लिया है, क्वेश्चन से लिया है, ठीक है। इसके बाद 3 रीजन कौन से थे, नंबर 1 हर रूटीन टू गो स्कूल विद ऑथर ब्रुक। आपको पता होगा जब वो गांव में था तब वो छोड़ने जाती थी दादी माँ किसको, बच्चे को स्कूल में, लेकिन यहाँ पे तो वो बस से जाता था, तो उसका वो जो रूटीन था उसे छोड़ने वाला स्कूल, एक तो वो टूट गया। नंबर 2 सिटी स्कूल वॉज नॉट टीचिंग एनीथिंग अबाउट गॉड। अब जब वो गांव वाले स्कूल में रह रहा था तो गांव वाले स्कूल में भगवान की प्रेयर सिखाई जाती थी, भगवान के बारे में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन नए स्कूल में, शहर वाले स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में केवल उसे साइंस, अर्थमेटिक, म्यूजिक ये सब पढ़ाया जा रहा था, तो इस वाली बात से भी ग्रैंड मदर दुखी थी। तीसरा देखो, she did not like the idea of city school teaching music to the students, और उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई शहर वाले स्कूल की, कि वो वाला स्कूल बच्चों को म्यूजिक भी पढ़ा रहा है, क्योंकि उनका मानना ये था जो म्यूजिक है वो खराब लोग सीखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं।
मेंशन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो. अब आपको तीन ऐसे तरीके बताने हैं जिस तरह से जो ग्रैंड ऑथर की जो ग्रैंड मदर है अपना पूरा दिन बिताती थी जब ऑथर बड़ा हो गया. तो देखते हैं वो कौन कौन से तीन तरीके हैं. देखो फिर से मैंने पूरा का पूरा जो आंसर है वो वहीं से बना दिया क्वेश्चन से. द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो. ठीक है, तो बेटा ये चीज मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं ताकि आप भी कभी भी आंसर डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना 1 2 3. नहीं, पहले उसकी भूमिका बनाइए, इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाइए और वो आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है वहीं से क्वेश्चन से. तो पहला वे था मोस्ट ऑफ द टाइम शी लिव्ड अलोन इन हर रूम. ज्यादातर वो अपने कमरे में अकेली रहती थी. नंबर टू, शी सेट इन हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स. आपने अगर पढ़ी है ये पूरी स्टोरी, मैंने चैनल पर डाली हुई है इंग्लिश बाबा पे, वो ज्यादातर अपनी प्रेयर्स पढ़ती रहती थी और स्पिनिंग व्हील्स का मतलब है चरखा चलाती रहती थी जैसे गांधी जी चलाते थे. तीसरा, इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. और दोपहर जब हो जाती थी करीबन 12 बजे तो वो क्या करती थी, जो स्पैरोज यानी चिड़िया होती है उनके साथ टाइम बिताती थी आधा घंटा और उन्हें खिलाती थी. वो उसका बेस्ट टाइम था पूरे दिन का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड. अब देखो ऑड का मतलब क्या होता है, अजीब. जब ऑथर की ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई, जब वो मरी, उससे पहले वो उसने अजीब सा बिहेव किया. वो क्या था अजीब सा बिहेव उसने कैसे किया. नंबर वन, द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू एनी फैमिली मेंबर्स. एक तो ऑथर की ग्रैंड मदर ने किसी से भी बात करने से मना कर दिया. उन्होंने कही भैया मैं किसी से बात नहीं करूंगी. एक तो ये ऑड वे था, ठीक है, अजीब. दूसरा, वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी फॉरगॉट टू प्रे द डे बिफोर हर डेथ. जैसा कि हमें पूरे चैप्टर में बताया गया है कि वो हर रोज प्रार्थना करती थी, प्रेयर करती थी, लेकिन पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि जिस दिन वो मरी उससे एक दिन पहले वो अपनी प्रेयर करना भूल गई. तो दूसरा ऑड वे ये था. तीसरा, शी केप्ट ऑन लाइंग इन बेड व्हाइल टेलिंग हर बीट्स. क्योंकि उसने किसी से भी बात करने से मना कर दिया था, उसने ये कहा जो भी मेरे पास टाइम बचा है उसे मैं भगवान की प्रार्थना करते हुए निकालना चाहती हूँ. तो वो बस अपने बेड पे लेटी रही और वो जो बीट्स का मतलब समझते हो, वो जो पूजा करने वाली माला होती है, वो बस उसी में अपने मंत्र वगैरह पढ़ती रही. तो इस तरह से चिल्ड्रन आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेलीग्राम पे हमें जरूर सब्सक्राइब कर लेना. मेंशन द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरोज व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड. जब ऑथर की जो ग्रैंड मदर है दादी, जब वो एक्सपायर हुई, जब वो मरी, तो जो चिड़िया थी, जो स्पैरोज थी जिनको वो दाना देती थी, रोज खाना खिलाती थी, उन्होंने किस तरह से अपना जो एक्सप्रेस किया, सोरो मींस दुख को अपना किस तरह से जाहिर किया. आंसर देखो, ऑल द स्पैरोज सीम्ड वेरी सैड. सीम का मतलब है दिख रही थी. जितनी भी सारी चिड़िया थी, जो भी स्पैरोज थी, वो सारी दुखी थी. एंड दे डिड नॉट मेक एनी साउंड ऑफ चिरपिंग्स. आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है आवाज करती है ना, चिरपिंग्स का मतलब है आवाज करती है. तो उस दिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं कर रही थी. When author's mother gave them some crumbs of bread, none of them ate. जब author की मम्मी को ये लगा यार ये लग रहा है ये भूखी है, चलो इन्हें कुछ खाना दे देते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी नहीं खाया. As soon as the grandmother's corpse was carried off, जैसे ही corpse का मतलब होता है dead body, lash. जैसे ही grandmother की लास्ट को कॉप्स को ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई. दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो. और इस तरह से जो चिड़िया थी उन्होंने अपना दुख जाहिर किया. तो एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है कि भले से वो एक जानवर है, चिड़िया है, लेकिन वो भी समझती है कि आज उन्हें जो दाना खिलाता था आज वो इस दुनिया में नहीं रही, तो देखो उस दिन उन्होंने भी खाना नहीं खाया. तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके क्वेश्चन खत्म. एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में. Who is the main character? Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? Mother, sister, grandmother या daughter? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. आई होप मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन आंसर्स की आपको अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से आपको हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे इंग्लिश बाबा चैनल पे. मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू.